नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है जनरल स्टडीज। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक है और सब टॉपिक जो है इसका है हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट टू। हमने पार्ट वन देख लिया है ऑलरेडी, उसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर UPSC के लिए, सेट PSC के लिए, SSC के लिए, CET के लिए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सोलर सिस्टम के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में आते हैं तो उसका आंसर आपको यहाँ से मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में हल्का सा जान लेते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। पिछले भी लेक्चर में हमने ये देख लिया था। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड ए रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। पीपल एंड एनवायरमेंट का रिलेशनशिप जो है वो दर्शाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी माने भूगोल हिंदी में, ठीक है। द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ। अर्थ में जो भी फिजिकल फीचर्स है, मान लो अगर जमीन है, हवा है, पानी है, ये सभी फिजिकल फीचर्स है अर्थ के। एंड इट्स एटमॉस्फेयर, इट्स एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमन एक्टिविटी एंड एज इट्स अफेक्ट इज अफेक्टेड बाय दिस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्सेस एंड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सब चीजें, द पॉपुलेशन भी ज्योग्राफी का पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, मान लो अगर कहीं पे एग्रीकल्चर चल रहा है, कहीं पे अगर मान लो पशुपालन जैसा व्यवसाय चल रहा है, या फिर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज चल रही है, तो दैट इज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कोई भी कंपनीज सेटअप है, दैट इज इन द जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, एंड द पॉलिटिकल, यस यू कैन सी द पॉलिटिकल मैप लाइक इंडिया पाकिस्तान, देन डिफरेंट दैट इज लाइक अफ्रीका, देन अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप इज ऑस्ट्रेलिया इज देयर, सो दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट ऑल्सो देयर। ओके, सो दैट इज द पॉलिटिकल लाइक। एंड रिसोर्सेज आर डिफरेंट रिसोर्सेज इज देयर लाइक वाटर रिसोर्सेज, लाइक मिनरल रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज ऑल इंक्लूडिंग दैट इज ज्योग्राफी। ओके, कीप इन माइंड। सो ज्योग्राफी इज द फील्ड ऑफ साइंस, यस दैट इज ऑल्सो द फील्ड ऑफ साइंस। पिक आउट देर इज अ सोलर सिस्टम इज ऑल्सो देर अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द साइंस। सो दैट इज, सो दैट्स वाई ज्योग्राफी इज ऑल्सो साइंस डिवोटेड टू स्टडी द लैंड फीचर्स इनहेबिटेंट एंड द फिनोमिना ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट। दैट इज सो अर्थ एंड प्लैनेट, हेयर वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द प्लैनेट एंड स्पेशली सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम है, सो द इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो है ये कितने प्लैनेट है भाई, 8 प्लैनेट आर देयर। पहले 9 थे, ठीक है, प्लूटो को हटाया गया, अब कितने बचे, 8 बचे। तो इसमें मर्क्यूरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये जो चार है, ये पहले वाले चार, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है एंड मार्स है, ये जो है पहले, दैट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ओके, इन अवर सोलर सिस्टम द प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर गैस जायंट, also known as Jovian planet. So this is the Jovian planet, that four planets are Jovian, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, that is a Jovian planet or giant gaseous planet. ये जो चार है, last वाले जो चार है ना, वो gaseous है, ठीक है, और जो पहले चार है that is a terrestrial है, ठीक है, एक और ये inner बोलते हैं, ये outer बोलते हैं, और बीच में जो belt आता है उसको बोलते हैं हम asteroid belt. Okay, and the end of our solar system, that is the Kuiper belt. Okay, keep in mind that is so. तो ये है चार, अपने चार और चार, ऐसे टोटल 8 जो सोलर सिस्टम में जो ग्रह है वो कितना है, 8 planets are there. Okay, what is solar system, सोलर सिस्टम है क्या, इसके बारे में देखिए, the collection of 8 planet, their moons, moons भी है, ठीक है, जैसा अर्थ को एक मून है, मार्स को कितना है, दो मून है, दैट इज देयर, डिफरेंट डिफरेंट थिंग,
वेनस एंड मर्कुरी को कोई भी मून नहीं, ये भी हम चीज़ें देखने वाले हैं, हर एक प्लैनेट को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो द ऑर्बिट अराउंड सन, यस, बाकी जो मून है और जो 8 प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमते हैं, टुगेदर विद अ स्मॉलर बॉडी दैट फॉर्म द एस्टेरॉयड भी घूमते हैं, मेटेरॉयड भी घूमते हैं, कॉमेट्स भी है। द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन अवर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो नेम है, सो सन से यहाँ तक, ठीक है, पहले आता है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। सो ये ऐसा मतलब पर्सपेक्टिव, आपको एक सिक्वेंस वाइज भी याद है ना, अगर याद रहे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, हो सकता है अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा जो वेन प्लैनेट कौन से और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से, या फिर गैसियस प्लैनेट कौन से, इनर कौन से, आउटर कौन से, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है और सिक्वेंस पता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। द सोलर सिस्टम इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम, सन एंड द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सोलर सिस्टम जो है ग्रेविटेशनली बाउंड है, अगर मान लो ये सन है, यहाँ पे देख लो ये सन है, तो ग्रेविटेशनली बाउंड है ये सभी 8 प्लैनेट्स, और प्लैनेट भी और साथ साथ एस्टेरॉइड्स भी, और जो भी इसमें जो बॉडीज हैं, दैट इज ग्रेविटेशनली बाउंड है सन से, इसीलिए हम इसके चक्कर काटते रहते हैं, हम नहीं मतलब अर्थ जो है या बाकी ग्रह है इसके चक्कर काटते, क्यों, क्योंकि हम ग्रेविटेशनली बाउंड है सन से, ओके। अगर बाउंड नहीं होते तो हम कहीं ना कहीं घूम होते, एक स्पेसिफिक अपना अपना ऑर्बिट नहीं होता अर्थ का या फिर किसी दूसरे ग्रह का, दैट इज द सोलर सिस्टम, हम जो है ग्रेविटेशनली बाउंड है सन से, दैट इज कीप इन माइंड, ओके। नाउ लाइट ईयर क्या होता है, अभी लाइट ईयर क्या होता है, देखिए ऑल लाइट, सिंपली समझे लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है, ये क्या लाइट ईयर माने, अगर आपको पूछा जाए लाइट ईयर किस चीज को मापता है या फिर किस चीज का जो ये है यूनिट, या फिर लाइट ईयर जो है ये किस चीज के लिए है, क्या ये करता है, क्या मेजर करता है लाइट, ठीक है, डिस्टेंस या फिर लाइट, तो लाइट से आप लाइट पे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं हम लाइट ईयर में इन सोलर सिस्टम, ओके। द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, एंड इज इक्वेलेंट टू अबाउट 9.46 ट्रिलियन, ठीक है, अगर वन लाइट ईयर माने कितना होता है, 9.46 ट्रिलियन जो है दैट इज लाइट ईयर होता है, इतना, अगर क्या ये अगर इसमें वैल्यू में अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि इसको वैल्यू में आप याद रखें, खाली इतना रहना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है ये लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। द लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन वन ईयर, वन अर्थ ईयर, अगर अर्थ ईयर है 365 डेज का, मान लो 365 डेज का है, तो एक साल में जितना लाइट ट्रैवल करता है, एक इन वन ईयर जितना लाइट ट्रैवल करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द लाइट ईयर, एक साल में जितना लाइट ट्रैवल करेगा दैट इज वन लाइट ईयर, ओके, लगभग लगभग 9.46 होता है आप ट्रिलियन, ये आप याद रख सकते हैं वैल्यू, लेकिन जरूरी नहीं है, खाली एक साल में इतना लाइट ट्रैवल होता है दैट इज लाइट ईयर, ओके। और ये कहाँ पे यूज करता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज यूज करना, बस इतना जानकारी आपके लिए काफी है। देन व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर यूजली यूज टू मेजर डिस्टेंस विद इन अवर सोलर सिस्टम, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जैसे मान लो किलोमीटर जो है, हम अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, या फिर किलोमीटर का मेजर, और आपको कपड़े का मेजरमेंट करना है तो आप मीटर का यूज़ करते हैं, और आपको कोई अगर प्लॉटिंग करना है या फिर कहीं पे जगह की अगर ये मेजरमेंट करना है तो आपको उसको स्क्वायर फिट में लेते हैं, या फिर फिट में भी ले सकते हैं, फिट में ही लेते हैं मैक्सिमम ज़्यादातर, अगर आप अगर कोई छोटी चीज़ है सेंटीमीटर में तो उसको आप सेंटीमीटर में नापते हैं, अगर कुछ एमएम में है तो उसको आप एमएम में लेते हैं, तो इसी तरह अगर लार्जर यूनिट है, अगर एस्ट्रोनॉमी है, मतलब अगर सोलर सिस्टम में अगर आप कोई मेजरमेंट करते हैं, आप ना ही किलोमीटर का ये ले सकते हैं, तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इस्तेमाल किया जाता है।
ये जो है विद इन आवर सोलर सिस्टम इसको यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके एएस, ये यू बोल सकते हैं इसको। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द लेंथ ऑफ पीपल इक्वल टू द एवरेज और द मेन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, दैट इज डिफाइंड एज, ये आप वैल्यू ध्यान में रख सकते हैं। मतलब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया लाइट ईयर, हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखे हैं। देखिए एक तो है लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर जो है ये है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। आप इसको अगर हमारी जो गैलेक्सी है उससे दूसरी गैलेक्सी कितना दूर है, दैट इज यू कैन यूज अ लाइट ईयर। बट हेयर द सिंपल माइनर माइनर डिफरेंस दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एंड विद इन आवर सोलर सिस्टम, अगर सोलर सिस्टम में ही अगर बात करते हैं दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माने अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। कीप इन माइंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही है, ठीक है। विद इन सोलर सिस्टम में जो है हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, दैट इज देयर, ओके। एंड लाइट ईयर इट इज यूज टू मेजरिंग ऑल्सो डिस्टेंस बट इट इज फॉर द लाइट ट्रैवल फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए ना, मतलब एक साल में जितना आपका लाइट ट्रैवल होगा दैट इज वन लाइट ईयर। एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर की बात करते हैं अगर डिस्टेंस की ही, तो अर्थ और सन के बीच में जो भी डिस्टेंस है दैट इज अवर दैट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। ये इतना लगभग किलोमीटर में अगर है, ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और हाँ एस्ट्रोनॉमिकल विद इन द सोलर सिस्टम लाइट ईयर, आप उससे आगे भी लाइट ईयर इस्तेमाल कर सकते हो, 1 साल में जो लाइट है आपका को कितना डिस्टेंस पास करता है दैट इज लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इतना आप बेसिक जानकारी रखिए, बस आपका ये दोनों क्वेश्चन आसानी से हल हो सकता है, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब गॉड पार्टिकल देखते हैं। अब भाई गॉड पार्टिकल है क्या, आपने पीटर हिग्स का नाम सुना होगा, ठीक है, तो बस गॉड पार्टिकल उससे रिलेटेड, द गॉड पार्टिकल वॉज प्रपोज इन 1960 ईयर, याद रखो। और किसने इसको डिस्कवर किया या फिर उसका जो ये है उसका जो थ्योरी है वो किसने बताया, दैट इज पीटर हिग्स। दोनों चीजें गॉड पार्टिकल बारे में याद रखो, दैट इज इम्पोर्टेंट, 1960 एंड पीटर हिग्स गॉड पार्टिकल। द एक्सप्लेन व्हाई सम पार्टिकल्स सच अ क्वार्क्स बिल्डिंग ब्लॉक्स protons among the things an electron has a mass while the other such a light carrying photon particle do not, ye kya bol raha hai ki god particle jo hai ye explain karta hai kiske bare mein, quarks ke bare mein, building blocks, proton ke bare mein, electron ke bare mein, usko jo mass hai wo hota hai, aur while other jo light carrying photon particle hai usko mass nahi hota, theek hai, have mass, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है मास होता है, लेकिन अदर बाकी जो है लाइट कैरिंग प्रोटॉन है वो मास नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड गॉड गॉड पार्टिकल, ऐसा कह सकते हैं। तो पीटर हिग्स और 1960, दैट इज इट। द सन, अब बात करते हैं सन के बारे में, ठीक है। सन माने सूरज, सबको पता है, सूर्य देवता भी बोलते हैं लोग इसको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, ठीक है, और हमारे धरती पर। द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इन टू हीलियम, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन और फ्यूजन दो डिफरेंट टर्म है, फ्यूजन एक एफ यू एस आई ओ एन, फ्यूजन एफ आई डबल एस आई ओ एन, दैट इज फ्यूजन फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, दैट इज फ्यूजन में जो है दोनों चीज़ें कंबाइन होता है, और फ्यूजन में स्प्लिटिंग होता है, दैट इज सिंपल, फ्यूजन में कंबाइन होता है और फ्यूजन में जो है वो स्प्लिट होता है एटम, ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है भाई, एटम स्प्लिट होते हैं और फ्यूजन में जो है एटम जोड़ते हैं, फ्यूजन, ओके, एफ यू एस आई यू एन, फ्यूजन में एटम जोड़ते हैं और फ्यूजन में एटम स्प्लिट होते हैं। कीप इन माइंड दोनों का डिफरेंस बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में, एसएससी में ज़्यादातर, ठीक है, और यूपीएससी में तो भी इसका एक थोड़ा बहुत एक स्टेटमेंट में कहीं पे दे देते हैं और बस फ्यूजन की जगह फ्यूजन कर दिया, बात खत्म, आधे से ज़्यादा वैसे ही वहाँ पे आउट हो जाते हैं कंपटीशन से, ठीक है, इसलिए कीप इन माइंड फ्यूजन एंड
फिजन के बारे में. सो द न्यूक्लियर फिजन ऑफ हाइड्रोजन इंटू हेलियम. देखिए हेलियम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है अपने सन पे, ठीक है. ठीक है, तो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, हाँ सन पे होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, और हेलियम में कन्वर्ट हो जाता है. द फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर इज अ डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन वी कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली. फोटोस्फेयर भी मान लो अगर सन है, सन का जो अपने को फोटो दिखता है ना, दैट इज फोटोस्फेयर. द पार्ट ऑफ सन दैट वी कैन सी इज नोन एज फोटोस्फेयर. अगर मान लो पिछले के स्लाइड में हम अगर देखें ये सन है, ठीक है, हमारे पास एक और भी इमेज है तो वो भी देख लेते हैं. लेकिन ये, लेकिन जो हमको दिख रहा है ना सन, दैट इज अ फोटोस्फीयर. जो फोटो दिखता है दैट इज फोटोस्फीयर. कीप इन माइंड, दैट इज सिंपल एंड क्लियर. ओके, सन में जाए द सन दैट कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली. हम जो डीपेस्ट लेयर, डीपेस्ट लेयर माने जो हमको ऊपरी भाग जो दिख रहा है वो जो डीप है, बाकी का नहीं, उसके साइड का आजू बाजू बने जो छोटा सा गोल अपने को सूरज जो दिखता है, दैट इज जो है फोटोस्फीयर कहेंगे. सो सिंपल सा अगर ध्यान में रखो, द पार्ट ऑफ सन दैट वी कैन सी इज नोन एज फोटोस्फीयर. जो फोटो दिखता है वो दैट इज फोटोस्फीयर, सिंपल. और डिटेल में हम इसको आगे देख रहे दिखने वाले हैं, ठीक है. द सन कोरोना, अब ये कोरोना अपना ये कोरोना है, ओमिक्रॉन में अभी आया है लेटेस्ट में, ठीक है. लेकिन अगर सन का कोरोना है तो ये भी लगभग उसी तरह है, लेकिन उसकी जो हलचल है वो अलग टाइप के है, ठीक है. इस कोरोना के हलचल अलग टाइप, ये वायरस है लेकिन वो कोरोना अच्छा है, ठीक है. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन एटमॉस्फेयर कोरोना. अगर मान लो अगर जो एक मिनट तो देखिए, अगर मान लो आप, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर ये है सन अपना, ठीक है, मान लो इसको, तो ऐसे स्पाइक्स जो है ये कोरोना पे भी होते हैं, ठीक है, और सन पे भी. आप लगभग सन अगर ड्राइंग में सिंपल ड्राइंग दिखाते हैं तो सन को ऐसे स्पाइक आप दिखाते हैं, तो डस इट, इसको हम कोरोना बोलते हैं, ये वायरस हो गया, ठीक है. लेकिन अगर सन की बात करें तो इसके भी स्पाइक हम दिखाते ही हैं जनरल सिंपल से ड्राइंग में, और अपने भी वो स्पाइक ऐसे दिखते हैं अगर मान लो ऑप्शन अगर डायरेक्टली देखते हैं तो. सो दैट इज द कोरोना. सो द आउटर मोस्ट पार्ट, जो आउटर मोस्ट पार्ट है सन का, ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये जो सन का आउटर मोस्ट पार्ट है जो दिख रहा है, दैट इज द कोरोना. ओके, सिंपल. द सोलर फ्लेयर्स, ये तो हो गया आपका. और सोलर फ्लेयर्स, इट इज द इंटेंस इरप्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द सन एटमोस्फेयर, ठीक है. सोलर फ्लेयर किसको बोलते हैं, द इंटेंस इरप्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द सन एटमॉस्फेयर, ठीक है. द सोलर फ्लेयर, द इंटेंस इरप्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द, सो द फ्लेयर्स मतलब जो अगर ऐसे चल रहे हैं, मान लो ऐसा जो ये है कोरोना की जो स्पाइक है वो तो दिख रहे हैं आपको, लेकिन उसके अलावा जो कम ज़्यादा जो सूरज की रोशनी होती है, मान लो भगवान की फोटो है और भगवान के फोटो के पीछे जो है ऐसे स्पाइक्स रहते हैं और साथ ही साथ ऐसा कुछ ज्वाला जैसा चलता रहता है, दैट इज फ्लेयर्स. मुझे आ रहा होगा आपको शायद, ठीक है, दैट इज फ्लेयर्स. मतलब भगवान के पीछे, सर के पीछे ना, क्या वो पुराने मूवी में या फिर सीरियल्स में दिखाते थे कि भाई जो पीछे है ऐसा आग जैसा कुछ चल रहा है या अग्नि जैसा कुछ चल रहा है, तो दैट इज फ्लेयर्स. ये तो स्पाइक्स तो है, मतलब ये तो है, उसके साथ साथ वो जो है फ्लेयर्स भी वो चलते, तो दैट इज सोलर फ्लेयर्स. सो इंटेंस इरप्शन, ऐसा कुछ आग जैसा उसमें चलता रहता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इरप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द सन एटमॉस्फेयर. तो वो रेडिएट होते रहते हैं कंटिन्यूस ऑन द सरफेस ऑफ सन. इट्स डिराइव्ड वेदर, ओशन करंट, सीजन, क्लाइमेट मेक प्लांट लाइफ पॉसिबल थ्रू द फोटोसिंथेसिस. विदाउट सन हीट एंड लाइट लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट. अगर मान लो सन ही नहीं होता, इस पर ऐसे लिख लो, ठीक है, बच्चों ऐसे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है. वेदर सिस्टम जो है वो गड़बड़ कर सकती है, और जो स्टेबल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सन है. ओशन करंट भी डिफरेंट डिफरेंट, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, और वो डिफरेंट जो उसका जो करंट है ओशन करंट, उसमें जो चेंजेस आते हैं, दैट इज बिकॉज और ओनली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ओनली नहीं बोल सकते हैं, हाँ सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. द सीजन
अलग अलग सीजन चल रहे थे, मान लो समर आ गया, विंटर आ गया, ठीक है, रेनी सीजन आ गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सीजन भी सन के कारण ही हुए हैं। क्लाइमेट चेंज भी जो है वो भी सन के कारण होता है। प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस है वो भी सन के कारण है, वो फोटोसिंथेसिस होता है इसीलिए वो खाना बना पाते हैं, और उसके उनके जो जो प्लांट है वो अगर ग्रो करने के बाद ही इंसानों को भी और जानवर को भी खाना मिलता है। सो पूरा फूड चेन जो है वो चलता है, क्यों? क्योंकि सन है, इसलिए सन है इसलिए फोटोसिंथेसिस होगा। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसके कारण हमको खाना मिल रहा है, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सन को गॉड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही सन का ये नहीं, इसलिए सूर्य नमस्कार आप डेली करो, आपको भी एनर्जी और ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। हीट भी और लाइट भी और लाइफ भी, तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सन नहीं है तो हीट भी नहीं रहेगी, लाइट भी नहीं रहेगा, और लाइफ तो बात ही मत करो। आगे बढ़ते हैं, ये देखो सन का स्ट्रक्चर, ठीक है, द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इसको समझ सकते हैं। ये कोरोना, कोरोना माने ये स्पाइक जो है ना, धीरे छोटे 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 दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये देखो किरण, किरण मान सकते हैं इसको, रेस, दैट इज द कोरोना, एक स्पाइक से जैसा दिख रहा है आपको, दैट इज कोरोना। बाहरी भाग कीप इन माइंड, इतना समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक चीज पे, कोर, कोर माने एकदम नीचे का, एकदम अंदर का, डीपेस्ट, एकदम सन का एकदम सेंटर पॉइंट, दैट इज कोर। रेडिएटिव जोन, उसके आगे धीरे धीरे रेडिएट होता है, देन कन्वेक्टिव जोन। अगर आपको अगर पता ही होगा कंडक्शन है, हीट ट्रांसफर शायद आपको नहीं होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, हाँ, कंडक्शन, कंडक्शन देन कन्वेक्शन, आप बात अच्छे से सुनो, लिखने के ऊपर मत जाओ। और दूसरा है, तीसरा है रेडिएशन। द हीट ट्रांसफर जो है ये थ्री वेज से होता है, एक कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है, तीसरा है रेडिएशन, रेडिएशन। कंडक्शन माने अगर कोई सॉलिड सरफेस है, अगर सॉलिड सरफेस है तो इसमें अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका इस साइड से इस साइड तक, तो दैट इज, अगर उस एक सॉलिड सरफेस से हो रहा है, एक मतलब मान लो आयरन है, लोहा है, तांबा है, जो भी है, तो फिर कॉन्क्रीट है, उससे अगर आपका हीट ट्रांसफर हो, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, ओके। कन्वेक्शन अगर एयर से हीट ट्रांसफर हो रहा है, अगर यहाँ पे एयर है तो एयर से अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, गर्म हवा से, ठंडी हवा, अगर पानी से है, दैट इज कन्वेक्शन। रेडिएशन दैट इज थ्रू द लाइट, एक लाइट से हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते, तो दैट इज फॉर रेडिएशन। तो जो सन का जो ये पहुँचता है, अगर सन की रेत अगर सन से धरती तक पहुँचते हैं या फिर अर्थ तक पहुँचती है, तो उसको हम कहते हैं इस सोलर रेडिएशन के कारण हमको एनर्जी मिलती है। ये फिनोमेना है हीट ट्रांसफर का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर मान लो आपका, अगर इंजीनियरिंग में ज़्यादातर ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, और तो बेसिक में तो ये है, ठीक है, 10वीं 12वीं में भी ये भी आपको कंसेप्ट शायद पता होगा, अगर पढ़ा होगा अच्छे से, तो नहीं तो फिर यहाँ पे आप समझ सकते हैं। कंडक्शन सॉलिड से होता है, कन्वेक्शन होता है फ्लूइड से, और रेडिएशन जो है ये होता है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट, लाइट भी आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। जो तो सन की एनर्जी हम तक पहुँचती है वो है रेडिएशन से, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये कन्वेक्टिव जोन होता है, कन्वेक्टिव मतलब एक फ्लूड बोल सकते हैं, या फिर एक जोन जो है वहाँ से कन्वेक्शन होता है, इसमें समझ, यहाँ से एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, कन्वेक्टिव जोन पर, ठीक है, सरफेस फ्लोस, ठीक है। तो ये एक अलग अलग जोन है, इसे इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप हाँ प्लस सब सरफेस फ्लो, ये सरफेस फ्लो, सब सरफेस, ये सरफेस फ्लो मान लो, ये सब सरफेस फ्लो, फोटोस्फीयर जो आपको फोटो में दिखता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोटो में अगर आपको दिख रहा है कि इतना सन है भाई, तो दैट इज ऑन। सो मतलब जो मेन कोर एरिया है, कोर एरिया है, दैट इज द फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर फिर एक बार, द पार्ट ऑफ द सन वी कैन सी, दैट इज नोन एज फोटोस्फीयर, ओके। सन स्पॉट, यहाँ से थोड़ा, सन स्पॉट माने कुछ काले धब्बे जो सन के ऊपर है, दैट इज सन स्पॉट, सिंपली इतने काले धब्बे जो सन पे है, दैट इज स्पॉट। देन फ्लेयर्स, फ्लेयर्स माने ऐसे ज्वाला भड़कना, अंगार जैसा हो, कुछ क्षणों के लिए या कुछ टाइम के लिए चलते रहना,
या फिर उसके बाद कम होना फिर भड़कना, ऐसा दैट इज फ्लेयर्स। ओके, कम ज्यादा होते रहना दैट इज फ्लेयर्स बोलेंगे उसको। क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर मतलब क्रोमोस्फियर जो है जो आउटर लेयर है, ठीक है, जो आउटर लेयर है, फोटोस्फीयर समझ में आया, फोटोस्फीयर जो आपको दिखता है, लेकिन क्रोमोस्फीयर जो एक्चुअल सरफेस है, एक्चुअल सरफेस ऑफ सन, दैट इज द क्रोमोस्फीयर, एक स्फीयर के फॉर्म, स्फीयर के मतलब जो पूरा जो सन है, दैट इज द क्रोमोस्फीयर, उसको आप कह सकते हैं। ओके, सोलर फ्लेयर्स के बारे में अगर अगर आउटर मोस्ट ऑप्शन ये हो गया है, ये तो आउटर मोस्ट जो है ये कोरोना हो गया है जिसमें स्पाइक्स जैसा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर व्हेन अ स्टॉर्म ऑफ हॉट एटम्स ओवरकम द ग्रेविटी गोज इनटू द आउटर स्पेस देन नोन एज सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ये हो गया, यहाँ पे अगर मान लो कुछ ज्वाला जैसा बढ़ हुआ, तो कुछ जो फ्लेयर्स है वो कुछ आउटर लेयर में चले जाएंगे। अगर मान लो स्पॉट जैसा, स्पॉट मान लो सन पे हो गया स्पॉट, तो तब जाके जो फ्लेयर्स है वो कुछ आउटर लेयर में चले जाएंगे या फिर आउटसाइड चले जाएंगे सन के जो क्रोमोस्फीयर है उसको छोड़ के, फॉर्म अगर मतलब ब्लास्ट हो गया ऐसा मान लो, दैट इज द सोलर फ्लेयर्स। ओके, कोरोना वाले और कोरोनल होल आप इसको समझ सकते हैं। अगर कोरोना ये जो है स्पाइक है, लेकिन कहीं पे है ही नहीं स्पाइक, ऐसे मान लो कि सनरेज वहाँ से उठ ही नहीं रहे, तो ब्लैक स्पॉट या सन स्पॉट तो हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोरोनल होल भी है, वहाँ पे स्पॉट तो नहीं है भाई, लेकिन वहाँ पे कोई स्पाइक भी नहीं हो रहा है या फिर वहाँ से कुछ जो किरणें हैं वो नहीं उठ रहे हैं, दैट इज द सर। तो ये हमने यहाँ से बेसिक अपना देख लिया, ठीक है, चलिए चलते आगे। अब सन स्पॉट साइकिल ये भी देख लेते हैं। अ सोलर फ्लेयर इज इंटेंस इरप्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द सन एटमॉस्फेयर। अगर यहाँ पे हमने देख लिया था कि अगर मान लो ये सब छटा देते फटाफट फटा, ठीक है, आना चाहिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है फ्लेयर्स जो है सन के, तो ये चीज जो है ये हम द इंटेंस इरप्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटेंस इरप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द सन एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो सन के एटमॉस्फेयर है उसमें इंटेंस इरप्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर इंटेंस इरप्शन हो रहा है तो दैट फ्लेयर्स, उसको क्या करेंगे हम, तो उसको बोलेंगे सोलर फ्लेयर्स। दिस फ्लेयर सच रिच इन अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस स्पेक्टेकुलर कलरफुल इफेक्ट। अगर ये मान लो वहाँ से निकल के अगर दूर दूर तक आते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, मान लो गलती से, तब जाके क्या होता है भाई, चमत्कार होता है। अपीयर्स एंड डिसअपीयर आफ्टर 11th ईयर। जो सनस्पॉट साइकिल जो है ये कितने साल तक चलते रहते, 11 साल तक, ठीक है। द सनस्पॉट साइकिल अपीयर एंड डिसअपीयर आफ्टर 11th। सो ये पूछ सकते हैं कि भाई 11 जो सनस्पॉट साइकिल है ये अपीयर और डिसअपीयर जो है ये कितने साल में होते, दैट इज 11 साल में जो है अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं सनस्पॉट साइकिल। ओके, सनस्पॉट साइकिल जो है, जो सनस्पॉट जो है ना, ये जहाँ पे आप देख रहे हैं भाई सनस्पॉट, ये अपीयर और डिसअपीयर 11 साल में, ठीक है, 11 साल का इनका टाइप रहता है सनस्पॉट का, इसको बोलते हैं साइकिल, 11 साल का चलता है ये, ठीक है, सनस्पॉट का जो लाइफ है 11 ईयर तक अपीयर और डिसअपीयर होने का। इन द नॉर्थ, अब ये जो है अगर मान लो फ्लेयर्स का जो है इंटेंस इरप्शन हो गया और वो अर्थ के एटमोस्फेयर में आ गया, तब जाके स्पेक्टेकुलर कलरफुल इफेक्ट होता है, तो ये इफेक्ट हमको दिखता है धरती पे कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर मान लो ये नॉर्थ में दिख रहा है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज अरोरा, इट्स नॉट अरोरा बोरेलिस, ठीक है, या फिर ओरा बोरेलिस, ओरा माने जैसा भगवान के पीछे जो ये चलते रहते हैं ना, दैट इज उनका ओरा बोलते हैं उसको, सो दैट इज ओरा बोरेलिस और द नॉर्थन लाइट बोलते हैं इसको, अगर नॉर्थ में दिखता है तो। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट्स ओरा ऑस्ट्रेलिस और साउथर्न लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये दो चीज़ें आपने, एक है ओरा बोरेलिस एंड सेकेंड वन इज द ओरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस
है वो साउथर्न में है, और बोरेलियस है दैट इज इन द नॉर्थन हेमिस्फियर। अब फर्स्ट जो है मरकुरी हमारे साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे हम रुकते हैं। मरकुरी का जो है पार्ट जो है हम हमारे अगले स्लाइड में जरूर देखेंगे, ठीक है। तो है थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइव लॉन्ग स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे हेल्दी एंड वेल्दी, बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड विथ अर्थ। सपोर्ट करने के लिए भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम इसका अगला पार्ट जो है मरकुरी से आगे कर आगे का जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।